हाँ, congratulations, कप के लिए पाकिस्तान हार गई मैं देख रहा था सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे बकायदा आपके आसपास पता नहीं पर मेरे आसपास लोग पटाखे थे जिस दिन पाकिस्तान हारी अच्छा है हारना चाहिए हमें हराएंगे हमें दस विकेट से हम उन्हें आईपीएल में खेलने तक नहीं देते हमें हराएंगे पर इंडिया के फैन थोड़े हैं थोड़े से मतलब पाकिस्तान के मैच इसलिए देख रहे हैं एक तो हारे और इसलिए देख रहे हैं कि उनके सपोर्टर्स सीखे फीमेल सबको पता है अभी कोई बोल के भी गया था कैमरा मैन फीमेल सपोर्टर्स पाकिस्तान सब देखते और इंडिया को ना पार्टीशन का सबसे बड़ा दुख यही है कि नजमा फातिमा सायमा सब वहां चले गए और कंगना यहां छोड़ दे। यार कंगना को पद्मश्री मिल गया और नेशनल अवार्ड भी वो बंदी तो अलग ही लेवल पे गॉड लेवल में है अभी उसको लग रहा है मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है लेजेंडरी एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप ठीक है मल्टीपल ऑस्कर विनर वो कहती है कि भले वो उसने कितने ऑस्कर जीते हों क्या उस हॉलीवुड की एक्ट्रेस ने इंडिया में नेशनल अवार्ड जीता है ये वो सच में कह रही है मैं नहीं बना रहा हूं सच में कह रही है मैंने कहा तो वही बात होगी सचिन तेंदुलकर बोले कि भले मोहम्मद अली कितना बड़ा बॉक्सर है वानखेड़े में सेंचुरी मार के दिखाए तो बात है उसका अलग ही लेवल चल रहा है वो कह रही है मेरे स्टंट करने का लेवल टॉम क्रूज के लेवल का है मैं उस लेवल के जो तो कि बात सही है उसकी मेंटल स्थिति देख के ये मिशन इंपॉसिबल ही लगता है उसे समझे कोई ये हाल है कंगना कंगना की सिस्टर है रंगोली दोनों ट्विटर पे थे कंगला की सिस्टर जो है सीजन एसिड अटैक सर्वाइवर पता है कहूँ एंड स्टिल दे बोट टर्न आउट टू बी सो टॉक्सिक ये हाल है लास्ट में बताएंगे कि अच्छा पेट्रोल प्राइसेस आप सब लोग अपनी गाड़ी से आए बहुत पैसा यार हाँ तो भैया पेट्रोल प्राइसेस आपको नहीं लगता प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके बारे में कुछ तो करें मतलब साल भर उन्होंने बीस तीस चालीस रुपये बढ़ाया और दिवाली से पहले दस बारह रुपये कम कर दिए लोग खुश भाग पागल हो गए नंगे नाच रहे रोड पे सीरियसली मतलब लेकिन मुझे लगता है हम जैसे कॉमन लोग अगर करें ना प्रोटेस्ट तो कोई फायदा नहीं कोई पावरफुल करना चाहिए जैसे करा था रॉबर्ट वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा पता है आपको सोनिया गांधी का दामाद काफी पावरफुल इतना पावरफुल कि किसी ने वीडियो डाला था कांग्रेस के टाइम पे कि हाउ डिड ही बिकम सो रिच सो फास्ट और वो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया इतना पावरफुल आदमी वो कर रहा है तो उसने क्या करा अपने घर से ऑफिस तक आठ किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो साइकिल में कवर किया एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट कि पेट्रोल की प्राइसिस बढ़ रहे हैं और उसे एस्कॉट कर रही थी उसकी रेंज रोवर <laughs> उसकी रेंज रोवर पार्किंग में वेट करते करते जितना पेट्रोल खा जाती है ना उतने में, में मेरे दो महीने का राशन आता है पर ये सही बात है एक हमारी स्मृति ईरानी थी वो सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ गई उस अपने टाइम पे मतलब जब वो अपोजिशन में थे सड़क में बैठ गई मुझे इतना दुख हुआ इतना दर्द हुआ मैंने कहा मैं दो रोटी कम खाऊंगा पर इसके घर में सस्ता सिलेंडर जाए ये था अभी सुनाऊंगा मतलब लेकिन वो फनी नहीं है लाफेबल है पर फनी नहीं है वो जोक है फैन किसी चीज का फैन बनना जनरली क्या होता है कि जब आप किसी चीज के फैन बनते हैं ना तो आप वो कैपेबिलिटी लूज कर लेते हैं जहां पे आप कोई भी आइडिया जो आपको अपोज कर रहा है उसको समझें तो आपको समझ नहीं आता आप लड़ने पड़ जाएंगे दो तीन तरह के फैन होते हैं एक होते हैं पॉलिटिकल फैन स्टोपेड एंड अनरीजनेबल एक होते हैं रिलीजियस फैन स्केर्ड एंड अनरीजनेबल एक है हमारे क्रिकेट फैंस क्रिकेट फैंस इसलिए बता रहा हूँ और मैंने सही में आपको जोक सुनाना था पर मैंने कल पढ़ा कि, कि किसी 23 थ्री ईयर ओल्ड आई ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की टेन मंथ गर्ल को रेप थ्रेट्स दी क्योंकि वो क्रिकेट फैन है और इंडिया हार गई तो वो उसका दिल दुखा इतना बुरा लगा उसके पापा उसे डिफेंड कर रहे हैं कि ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है इसलिए से पता नहीं क्या बोलना है ये हाल है अब मैं ना इंटरनेट पर बहुत लड़ता था पहले लोगों से बड़े बड़े कमेंट्स लिखता था फिर मैं मेरी जॉब लग गई तो मैं ब्रॉडबैंड लगा के लड़ता हूँ पर मैं अभी भी बड़े बड़े कमेंट्स छोड़ता हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे कोई आइडिया कोई बात खराब लग रही है तो मैं उस पर पूरा रिसर्च करता हूँ फैक्ट्स के साथ और लिख देता हूँ वहाँ पर कि अगर सौ लोग मुझे गाली भी दे रहे हैं और एक आदमी उस बात को समझ रहा है और शायद चेंज हो जाए तो मेरा काम बन जाए सिर्फ इसलिए थैंक यू गाइज दस्वीन माई टाइम